नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्य हिंदी की एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे आपको एक लिंक मिलेगा जहां से आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों पर। केरल में नन से बलात्कार के मामले में अभियुक्त बिशप फ्रैंको मुलक्कल को एक अदालत ने अपराध से बरी कर दिया है। अदालत के फैसले के बाद बिशप ने कहा कि वो इसके लिए ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। बिशप फ्रैंको भारत के पहले कैथोलिक बिशप थे जिन पर बलात्कार के किसी मामले में जांच चल रही थी। 100 दिन तक जांच चलने के बाद अतिरिक्त सेशन कोर्ट ने शुक्रवार को अपने फैसले में कहा कि उसने बिशप फ्रैंको को इस मामले में दोषी नहीं पाया है। बता दें, नन ने आरोप लगाया था कि बिशप फ्रैंको ने 2014 से 2016 के बीच में उसके साथ कई बार बलात्कार किया था। बिशप फ्रैंको ने इन सभी आरोपों को गलत बताया था। इस मामले में विरोध प्रदर्शन हुए थे और ननों ने चर्च, केरल पुलिस और राज्य सरकार से बिशप फ्रैंको के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की थी। मुजफ्फरनगर में चरथावल विधानसभा क्षेत्र से बीएसपी के नेता अरशद राणा टिकट न मिलने की वजह से रोते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि बसपा के कुछ नेताओं ने उनसे टिकट दिलवाने का वादा किया और उनसे करीब 67 लाख रुपए ले लिए, लेकिन टिकट नहीं दिया। उनकी एक वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रही है जिसमें वो रोते हुए दिख रहे हैं। इस मामले में उन्होंने शहर कोतवाली में बसपा के कुछ वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ तहरीर सौंपी है। आज समाजवादी पार्टी में जब बीजेपी से आए मंत्रियों और विधायकों को शामिल कराया गया तो उस वक्त काफ़ी बड़ी संख्या में लोग वहां मौजूद दिखे। अब इस मामले में कोरोना के दिशा निर्देशों का पालन नहीं करने को लेकर लखनऊ के जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश ने संज्ञान लिया है। उन्होंने कहा कि सपा कार्यालय पुलिस एक टीम भेजी गई है और मामले में जाँच के बाद ज़रूरी कार्रवाई की जाएगी। वहीं इंडिया टुडे के मुताबिक कोरोना के दिशा निर्देशों की धज्जियां उड़ाने के लिए करीब 2500 सपा नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। बीते कुछ दिनों में उत्तर प्रदेश में बीजेपी को एक के बाद एक जोरदार झटके देने वाले कई नेता शुक्रवार को सपा में शामिल हुए। पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य के अलावा पूर्व कैबिनेट मंत्री धर्म सिंह सैनी और विधायक रोशनलाल वर्मा, ब्रजेश प्रजापति, मुकेश वर्मा, विनय शाक्य और भगवती सागर भी सपा की साइकिल पर सवार हो गए। इन सभी नेताओं ने कहा कि बीजेपी की सरकार में पिछड़ों, दलितों, नौजवानों की उपेक्षा हो रही थी और उनकी बात को नहीं सुना जा रहा था। इस दौरान स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपने फैसले को लेकर दावा किया कि आज बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं की नींद उड़ गई है। सपा में शामिल होने के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी के खिलाफ जन सैलाब उमड़ रहा है। मौर्य ने कहा कि बीजेपी नारा दे रही है 80 और 20 का, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि 80 और 20 नहीं, अब तो होगा 15 और 85। मौर्य ने कहा कि 85 तो हमारा है और 15 में भी बंटवारा है। पूर्व कैबिनेट मंत्री मौर्य ने कहा कि आप बात हिंदू की करते हो तो आपने दलितों, पिछड़ों के आरक्षण को अजगर की तरह निगलने का पाप क्यों किया। स्वामी प्रसाद मौर्य ने पिछड़ों की आवाज़ को बार बार उठाकर कहा कि सरकार बनाए दलित और पिछड़े, मलाई खाएं वो अगड़े 5% लोग। मौर्य ने कहा कि केशव प्रसाद मौर्य और स्वामी प्रसाद मौर्य का नाम उछालकर पिछड़ों के बलबूते पर सरकार बनाई गई, लेकिन बहुमत मिलने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बना दिया गया। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि आप कहते हो कि हिंदू कार्ड पर चुनाव जीतेंगे, अगर आप बड़े हिंदू के हमदर्द हैं तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्गों को भारतीय संविधान के अंतर्गत अधिकार देकर जो आरक्षण की व्यवस्था की गई उसको अजगर की तरह निगलने का पाप क्यों किया आपने। उन्होंने कहा कि योगी जी, क्या अनुसूचित जाति के लोग हिंदू नहीं हैं क्या? क्या अनुसूचित जनजाति के लोग हिंदू नहीं हैं? क्या आप 54% वाला पिछड़ा वर्ग हिंदू नहीं है? अखिलेश यादव ने भी आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस और वर्चुअल रैली में कहा कि अब सपा को कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि अब साइकिल का हैंडल भी ठीक, दोनों पहिया भी ठीक हैं और पैडल चलाने वाले भी आ गए हैं। अखिलेश ने कहा कि योगी की 11 मार्च की गोरखपुर की टिकट है, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य और बाकी विधायकों के आ जाने से वह आज ही लखनऊ से गोरखपुर चले गए। वह बोले कि बीजेपी में लगातार विकेट गिर रहे हैं, बाबा क्रिकेट खेलना नहीं जानते, अगर जानते भी होते तो भी अब उनसे कैच छूट गया। आज स्वामी प्रसाद मौर्य जिस वक्त योगी आदित्यनाथ पर हमला बोल रहे थे, उस वक्त उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अनुसूचित जाति के अमृतलाल भारतीय के यहाँ जाकर खाना खाया। समाचार एजेंसी ने मुख्यमंत्री के हवाले से कहा कि सीएम योगी ने खिचड़ी सहबोज के लिए आमंत्रित करने पर भारती को धन्यवाद दिया। दिल्ली में पिछले एक दिन में 24,383 कोरोना संक्रमण के नए मामले दर्ज किए गए हैं। इसके अलावा 34 लोगों की मौत भी हुई है। दिल्ली में अब पॉजिटिविटी रेट 30.64% हो गया है। वहीं कर्नाटक में एक दिन में 28,000 से अधिक कोरोना के मामले दर्ज किए गए हैं।
बुल्लीबाई ऐप मामले में गिरफ्तार किए गए आरोपी श्वेता सिंह और मयंक को आज 14 दिनों की न्यायिक हिरासत पर भेज दिया गया। आज इन आरोपियों की पुलिस हिरासत की अवधि खत्म हो रही थी। समाचार एजेंसी एनआईए ने मुंबई पुलिस के हवाले से बताया कि श्वेता सिंह को कोर्ट में आज पेश किया गया, लेकिन मयंक को कोरोना संक्रमित होने की वजह से अदालत में पेश नहीं किया जा सका। पूर्वी दिल्ली में गाजीपुर में स्थित फल मार्केट में शुक्रवार को एक संदिग्ध बैग मिला। सूचना पर दिल्ली पुलिस का बम निरोधक दस्ता मौके पर पहुंचा। दस्ते को बैग से आईईडी मिला, जिसे निष्क्रिय कर दिया गया। पुलिस ने आसपास के इलाके को पूरी तरह खाली करा लिया। दिल्ली पुलिस के कई आला अफसर काफी देर तक मौके पर मौजूद रहे। 26 जनवरी से पहले दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था बेहद सख्त है। ऐसे में पुलिस पता लगा रही है ये बम यहाँ किसने और किस मकसद से रखा था। वरिष्ठ पत्रकार कमाल खान का शुक्रवार सुबह दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया है। कमाल खान के निधन की खबर से पत्रकारिता जगत में शोक की लहर दौड़ गई है। तमाम राजनीतिक दलों के नेताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं और पूरी मीडिया बिरादरी ने कमाल के निधन पर गहरा दुख जताया है। शानदार मीडिया रिपोर्टिंग के लिए कमाल खान को हमेशा याद किया जाता रहेगा। कमाल खान एनडीटीवी में काम करते थे, उनके द्वारा खबर देने के तरीके के लोग कायल थे। भारतीय क्रिकेट टीम को केप टाउन टेस्ट में दक्षिण अफ्रीका के हाथों हार का सामना करना पड़ा है। अफ्रीकी टीम ने भारत को 7 विकेट से मात दी। इस जीत के साथ मेजबान दक्षिण अफ्रीका ने 3 मैचों की सीरीज 2-1 से जीत ली। बता दें, केप टाउन में भारत ने दक्षिण अफ्रीका के सामने 212 रनों का लक्ष्य रखा था। अफ्रीकी टीम ने 3 विकेट खोकर ही ये लक्ष्य हासिल कर लिया। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।